अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द मैन ऑफ द क्राउड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एडगर एलन पो ने लिखी है। इसको सुनकर और इसको पढ़ के आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। डिस्कस करने से पहले स्टोरी को हम लोग थोड़ा सा राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। जो राइटर है हमारे, वो 19 जनवरी 1809 को पैदा हुए थे और 7 अक्टूबर 1849 में इनकी डेथ हो गई थी। बेसिकली ये जो राइटर है हमारे, ये एक जो बहुत ही फेमस अमेरिकन ऑथर थे, पोइट, एडिटर और साथ ही साथ लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। अमेरिका मेरा एक अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उस मूवमेंट के अंदर जो हमारे लीडिंग फिगर कह सकते हैं हम लोग, और उस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा भी हम कह सकते हैं, वो एडगर एलन पो ही रहे हैं। ये जो अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट थी, बेसिकली ये 1830 से 1870 तक रही, और ये ऐसा टाइम था जिसके अंदर ना लाइक हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी अमेरिका के अंदर। जो इंट्यूशंस वगैरह थे, इमेजिनेशन थी और इंडिविजुअलिज्म था ना, उसके ऊपर लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे राइटर एडगर एलन पो जो हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो अपने टेल्स ऑफ मिस्ट्री और मैकैबर के बेस पे फेमस हैं। मैकैबर बेसिकली राइटर का इसमें कंसर्न होता है कि फियर ऑफ डेथ क्रिएट करना, ठीक है, कुछ लाइक काइंड ऑफ खौफ क्रिएट करने वाले, तो ना जो दिल में खौफ डाल दें, ऐसे के एलिमेंट्स को क्रिएट करना। अगर हम बात करें जो अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी प्रैक्टिशनर्स थे, उनके अंदर सबसे पहले जो नाम आता है एडगर एलन पो का, भी उन्हीं के अंदर नेम आता है जो अर्लीस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी प्रैक्टिशनर्स थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपना लाइक कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है साइंस फिक्शन की इमर्जन के अंदर। साइंस फिक्शन कैसे फिक्शन होते हैं, ऐसे फिक्शंस बेसिकली जो डील्स करते हैं इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके लिटरेचर की, सॉरी इनके जो वर्क्स की, तो इनके वर्क्स ने जितना भी लिटरेचर है, इंक्लूडिंग यूएसए और पूरा वर्ल्ड, उन सबको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया है। और मोस्टली जो इनकी राइटिंग है ना, वो डिटेक्टिव नॉवेल्स पे बेस करती है। इनको हम लोग ना कहते हैं ये इन्वेंटर हैं डिटेक्टिव फिक्शन के। डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है? डिटेक्टिव फिक्शन बेसिकली ऐसा यानरा होता है जो कि सब यानरा है, क्राइम फिक्शन का और मिस्ट्री फिक्शन का। इसके अंदर जो है ना इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर कोई डिटेक्टिव एजेंट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कोई ना कोई क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, समटाइम्स सुपरनेचुरल एलिमेंट भी इंक्लूड होते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स की, तो वो ऐसा होता है कि इसमें कोई ना कोई क्राइम कमिट हुआ होता है, और जो मेन हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो उस क्राइम के इर्द गिर्द जो है ऑब्जर्वेशन करके कंक्लूजन देता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री को ही डिस्कस करें, तो हमें पता लगता है कि ये वो वेल नोन राइटर हैं, वेल नोन अमेरिकन राइटर हैं, जिन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू, ठीक है, अपनी पुअर कंडीशन जो इसकी लाइफ की थी ना, फाइनेंशियली बहुत पुअर थे, अपनी अकेली सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया और बहुत ज़्यादा अर्निंग की है। इसके अलावा अगर हम राइटर के जो थीम्स होते हैं उनके बारे में बात करें, तो मोस्टली इनकी जो थीम्स हैं वो क्वेश्चन ऑफ डेथ, इंक्लूडिंग इट्स फिजिकल साइंस, द इफेक्ट्स ऑफ द डिकम्पोजिशन, कंसर्न्स ऑफ प्रीमेच्योर बुरियल एंड द री एनिमेशन ऑफ डेड एंड मॉर्निंग, इस किस्म के जो थीम्स हैं बेसिकली इनके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इनकी राइटिंग के अंदर। ये जो राइटिंग के अंदर जो अपना लिटरेचर लिखते हैं ना, मोस्टली वो हॉरर होता है, हॉरर के साथ साथ वो सटायर्स भी यूज़ करते हैं, ह्यूमर टेल्स भी लिखते हैं, और इन्होंने होएक्सेस भी लिखी हैं। होएक्सेस क्या होती है? बेसिकली ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर ना फॉल्सहुड की टेक्निक को डेलिबरेटली जो है ना फैब्रिकेट करता है राइटर स्टोरी के अंदर ट्रुथ के साथ, ठीक है। इसके अंदर जो है ना बेसिकली ये काइंड ऑफ रूमर्स होती हैं, ठीक है, कोई ऐसी एरर हो जाए ऑब्जर्वेशन के अंदर, ये सब कुछ एग्जिस्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारी मेन स्टोरी है, द मैन ऑफ द क्राउड। इस स्टोरी के अंदर हमारे पास जो करेक्टर मेन आ रहे हैं ना, वो द नरेटर और द ओल्ड मैन, ये दो करेक्टर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर, जो कि शॉर्ट स्टोरी है हमारी। ये जो नरेटर है हमारे पास, नरेटर बेसिकली एक ऑब्जर्वर भी है जो कि स्टोरी के अंदर हर हर करेक्टर को ऑब्जर्व करेगा
और उनके ऊपर कमेंट पास करेगा। और इसका मेन कंसर्न जो होता है स्टोरी के अंदर इस करेक्टर का, वो ओल्ड मैन के साथ होता है, क्योंकि नरेटर को ये ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब क्या होता है, बेसिकली ये एक कॉफ़ी शॉप है, डी कॉफ़ी हाउस, वहाँ पे बैठा हुआ है और थोरो फेयर यानी कि एक ऐसी रोड जहाँ से लोग गुजर रहे हो ना, उसको देख रहा होता है। वहाँ पे तो लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा होता है, और जब उस लोगों के हजूम के अंदर उसको एक ओल्ड मैन नज़र आता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है करेक्टर सेकंड, इस ओल्ड मैन को देखते ना जब वो, तो ये ओल्ड मैन ना नरेटर की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन खींचता है, ठीक है, क्योंकि नरेटर को वो ओल्ड मैन बहुत पसंद आ जाता है। क्यों आता है आपको मैं बताऊँगी जब हम स्टोरी को डिस्कस करेंगे तब। साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि नरेटर को उस करेक्टर के अंदर अपना अक्स ठीक है नज़र आ रहा होता है। अब जो सेकंड करेक्टर है वो है ओल्ड मैन। ये ओल्ड मैन जो है 65 to 70 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़ा आदमी है, जो कि उस थोरोफेयर से यानी कि वो जो सड़क है जहाँ पे लोग गुजर रहे हैं, उनका क्राउड गुजर रहा है, वहाँ से गुजर रहा है, और 24 आवर्स ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और जो नरेटर है वो उसका पीछा कर रहा है थ्रू आउट स्टोरी के अंदर। अब हम जो है ना अपनी समरी की तरफ आते हैं, द मैन ऑफ द क्राउड की समरी हमने स्टार्ट करनी है। ये जो बेसिकली समरी है ना, एक बड़ी मिस्टीरियस डिटेक्टिव स्टोरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नरेटर है ना वो टॉक्स अबाउट जर्मन बुक, वो जर्मन की बुक जो है ना उसके बारे में बात करता है। डज नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड, कहता है कुछ किताबें इतनी पेचीदा होती हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि वो खुद ही नहीं चाहती कि उसको कोई शख्स पढ़े, ठीक है। कहता है सेम ऐसा जो केस होता है ना, वो ना समटाइम एक पर्सन के साथ भी होता है, करेक्टर के साथ भी होता है, सेम विद द करेक्टर। कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि उनको दूसरे लोग समझ सकें, दूसरे लोग अंडरस्टैंड कर सकें। तो कहते हैं ही बिलीव्स दैट द सेम थिंग इज ट्रू टू सर्टन करेक्टर्स इन रियल लाइफ, दैट दे डू नॉट ओपन देमसेल्फ बिफोर एनीवन, ठीक है। क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं ना अपनी लाइफ को सीक्रेटली रखना पसंद करते हैं, दे लिव अ सीक्रेट लाइफ दैट नोबडी कैन गेट एनी क्लू अबाउट देयर रियल लाइफ, देयर रियल सेल्फ, ठीक है। कोई भी नहीं उनके बारे में अंडरस्टैंड कर सकता, उनको समझ सकता, ठीक है। नरेटर जो है ना इस स्टोरी के अंदर खुद भी एक ऐसे फैलो से मिलता है, ठीक है, जो कि अपने आप को हाइड कर रहा है, जो कि अपनी लाइफ को सीक्रेटली रख रहा है, और लोगों से वो मिलना नहीं पसंद कर रहा। और क्या करता है नरेटर थ्रू आउट स्टोरी के अंदर 24 आवर्स उसका पीछा करता है, ठीक है, लेकिन उसको कोई भी लाइक ना सर होता है ना पैर होता है, उस करेक्टर का कुछ भी नहीं मिलता। वो थ्रू एंड थ्रू उस करेक्टर के पीछे जाता है और उसका पीछा करता रहता है, और उस करेक्टर को कहता है कि वो करेक्टर जो बेसिकली कौन है, कहता है अ मैन ऑफ द क्राउड है, वही करेक्टर अ मैन ऑफ द क्राउड है, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि कैसे खुद को अपने आप को लोगों के दरमियान में छुपा के रखना है। अब जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी में बताया गया है जो नरेटर है ना वो बीमार था, और ना एक सीरियस डिजीज से ना गुजर के ना उससे रिकवर हुआ है। अब वो जब रिकवर हुआ है ना तो बड़ा फ्रेश फील कर रहा है, ठीक है, ये देखिए फीलिंग फ्रेश, तो बड़ा फ्रेश फील कर रहा है, ठीक है। और उसकी क्या है, ही वॉज फीलिंग अ न्यू जॉय इन एवरी एक्टिविटी, उसका बिलीव है। अब वो कहता है जो यहाँ पर नरेटर है ना उसने कमेंट किया है, मेरली टू ब्रेथ वॉज इंजॉयमेंट, ठीक है, ये इसका कमेंट है। अब वो क्या होता है कि वो ना डी कॉफ़ी हाउस है, उसके करीब एक विंडो है, विंडो के बिल्कुल करीब वो बैठा हुआ है और अपने आप को ना मतलब डिफरेंट वे से इंटरटेन कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट वे से बहुत ज़्यादा इन्जॉय हो रहा है। अब क्या होता है इस टाइम पीरियड पे ना वो जो सिटी है ना, सिटी के अंदर जो थोरोफेयर यानी कि जो सड़क है बहुत बड़ी, वहाँ से डिफरेंट जो पीपल है, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जो है ना वो गुजर रहे हैं, वो रोड पर सफ़र कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, गुजर रहे हैं इधर उधर। तो नरेटर जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाता है उन सबको देखने में, उन सबको देखता है लोगों को, ठीक है, वो डी कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ है विंडो के बिल्कुल पास, और वो लोगों को देख रहा है जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन सबको। अब वो जब देखता है ना उन सबको, तो उस क्राउड के अंदर ना डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। कहता है कुछ के जो चेहरे थे वो सेटिस्फेक्शन दिखा रहे थे, कुछ के चेहरे जो थे बड़ा डिससेटिस्फाइड थे। कहता कुछ वहाँ पे सीनियर और कुछ वहाँ पे जूनियर क्लर्क्स थे। कहता हर ग्रुप जो है ना वेल रिकॉग्नाइज था अपनी ड्रेसेस की बेस पे, ठीक है, अपने फेस कट्स की बेस पे, अपने एक्सप्रेशंस की बेस पे। कहता उनमें कुछ पिक पॉकेट्स भी जो होते हैं, जेब काटने वाले जो होते हैं ना चोर, वो कहते कुछ उसमें गैम्बलर्स यानी कि जुआरी भी थे, और कहते वो भी अपने ड्रेसेस की बेस पे पहचाने जा रहे थे। कहता उनमें से सब जो आदमी थे ना, कुछ आदमी थे सब मैन ऑफ द विट्स, और कुछ जो थे ना क्या थे, सोल्जर्स थे, और साथ ही साथ नरेटर बताता है कुछ इसके अंदर ज्यू पेडलर्स भी थे, कुछ स्ट्रीट बैगर भी थे, कुछ फीबल भी थे, मतलब डिफरेंट लोग थे, ठीक है। कुछ उसमें यंग गर्ल्स थी, कुछ उसके अंदर नरेटर बताता है कि ना ड्रंकर्स भी थे, ठीक है,
और कुछ जो थे वो कॉल हीवर्स थे, कुल स्वीपर्स थे, कुछ मंकी एग्जिबिटर्स थे, इस तरह से ना डिफरेंट किस्म के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर। तो कहता अब क्या होता है, कहता उन सब के अंदर एक एक बंदा था जिसके ऊपर ना उस क्राउड के अंदर ना वो जो थोरोफेयर थी ना उस क्राउड के अंदर एक बंदा था, वो था ओल्ड मैन। कहता मेरी नज़र ने उसके ऊपर चिपक गई। क्यों चिपक गई? कहता अ कंटिनेंस अ डिक्रिप्ट ओल्ड मैन सम 65 और 70 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो कहता ये ऐसा बंदा था जिसके ऊपर मेरी आंखें जम गई। क्यों? कहता ये उस पूरे क्राउड के अंदर ना बहुत ही अलग था, टोटली डिफरेंट, सबसे हटके। क्यों? कहता इसका जो फेस था वो कैसा था कि फेस जो था ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वैस्ट मेंटल पावर, कॉशन, कूलनेस, मेलिस, ब्लड थर्स्टीनेस, एक्सेसिव टेरर, इंटेंस डिस्पेयर। ये राइटर ने इस बंदे के बारे में कमेंट्स किए हुए हैं। तो कहता है ये जो चीज़ थी ना उसके फेस से नज़र आ रही थी। कहता वो जो ओल्ड मैन था ना उस पूरे के अंदर, उस क्राउड के अंदर, कहता ये जो अकेला एक मैन था ना, इसने जो है ना मेरी अट्रैक्शन अपनी तरफ करवा ली। ये मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था। ठीक है, कहता मैं इसको देख के ना सेम टाइम पे एक तरफ खौफ भी खा रहा था, दूसरी तरफ बड़ा फैसिनेट भी हो रहा था। तो कहता ये जो बंदा है ना, इस बंदे को मैंने कहाँ से देखा? डी कॉफ़ी हाउस से देखा था, डी कॉफ़ी हाउस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट MCQs के लिए ऐसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है वर्ड कि कहाँ था, डी कॉफ़ी हाउस पे था। तो कहता कि वो बंदा खड़ा हुआ और चलने लग पड़ा और चलता ही गया। कहता मैं भी फिर खड़ा हो गया, उसके पीछे चला गया और चलता ही गया कि वो बाद आदमी कहाँ जा रहा उसको देख रहा हूँ। सून आफ्टर क्या होता है, जब मैं उठा हूँ उसकी तरफ गया हूँ तो वो आदमी उस क्राउड के अंदर डिसअपेयर हो गया। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की उसको ढूंढने की, फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया। वो जो ओल्ड मैन था ना वो अपने स्ट्रेचर में बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, ठीक है, और अपेरेंटली वेरी फीबल था। कहता उसके जो क्लोथ्स थे ना बड़े फिट और रैग्ड थे, और वो नोटिस करता है कि इसने ना एक डायमंड एंड डैगर अटैच किया हुआ अपने ड्रेस के साथ। और कहता ये जो था ना, नाउ इट वाज नाइट, अब रात का वक्त था, और कहता हर जगह फोग हो गई और क्या हुआ, हैवीली रेन स्टार्ट हो गई, ज़ोर से बारिश बरसना शुरू हो गई थी। कहता अब ज़ोर से बारिश बरसना शुरू हुई, लेकिन जो इस टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो तो घुस गए जगह जगह, मतलब फैल गए, छुप गए कहीं ना कहीं पे, लेकिन वो जो ओल्ड मैन था उसका बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आई। नरेटर कहता है मैंने क्या किया, मैंने हैंकरचीफ उठाया, अपने मुंह पे बांधा, ज़ोर से बांध के मैंने इस फैलो का पीछा करना शुरू कर दिया। कहता जो ओल्ड मैन था डिड नॉट चेंज हिज बिहेवियर एंड वॉकड इन रेन, बारिश में चलता गया। ही क्रॉस्ड एंड रीक्रॉस्ड द थोरोफेयर, वो मतलब चलता ही गया, उसने कभी कहीं जगह गया कभी कहीं जगह गया, वो रुका नहीं। ठीक है, और कहता है चल क्यों रहा है, वजह क्या है? फॉर नो रीज़न, कोई वजह ही नहीं है। तो कहता है वो क्रॉस स्ट्रीट में गया, उसने वहाँ पे भी वॉक करना शुरू कर दी और एक घंटे तक वहाँ पे वॉक करता रहा। उसका जो दूसरा टर्न था वो एक स्क्वेयर स्ट्रीट में था, कहता है वहाँ पे भी वो वॉक करता रहा सर्कुलर वे में, नहीं रुका। ठीक है, इवन के उसको जो बारिश हो रही थी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हालांकि साथ ही साथ बारिश के ठंडी हवा चलने लग पड़ी थी। कहता उस ओल्ड मैन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस ठंडी हवा से, चलता ही जा रहा है। कहता बाद में उसने टर्न ले लिया बाय स्ट्रीट के अंदर और वहाँ पे भी कुछ नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं, और इवन के वो पहले से ज़्यादा क्विकर हो गया, फास्ट हो गया उसके स्टेप्स। कहता स्ट्रीट जो थी ना सीम्ड बिजी, लेकिन अब क्या हुआ, रात का भी काफ़ी ज़्यादा वक्त था, काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वापस, और ये बंदा चलता ही जा रहा था। इवन के शॉप्स में गया, शॉप्स में एंटर हुआ, जाके चीज़ों की प्राइसिंग पूछी, लेकिन कुछ भी नहीं खरीदा और वापस आ गया। उसके बाद जो है नरेटर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसके बिहेवियर के ऊपर, ओल्ड मैन के बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि अब 11 बज गए हैं, जो लोग हैं अपनी शॉप्स को बंद करना शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन जो ओल्ड मैन है अब वो क्या है, दोबारा घूम फिर के थोरोफेयर के पास आता है, और कहाँ पर पहुँचता है, डी कॉफ़ी हाउस के पास। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, डी कॉफ़ी हाउस से, अब क्या हुआ, कहाँ पर पहुँच गए, घूम फिर के ओल्ड मैन डी कॉफ़ी हाउस पे पहुंच गया, ठीक हो गया। अब कहता है वो डी कॉफ़ी हाउस से होता हुआ ना दोबारा से चलना शुरू कर देता है, लेकिन कहता है जब पहले वहाँ पे था तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन इस टाइम पे जो 11 बज गए हैं तो डी कॉफ़ी हाउस वाला जो एरिया है ना वो डिजर्टेड हो गया हुआ है। अब ओल्ड मैन वहाँ से निकला,
इसने चलना शुरू कर दिया, चलते हुए पहले रिवर के पास गया, फिर उसके बाद इसने क्रॉस मैनी वेज, और उसके बाद कहाँ पे आ गया, ऐसी लाइन पे आ गया जहाँ पे थिएटर्स थे सिटी के अंदर, थिएटर्स ऑफ द सिटी, फिर वहाँ पे जो था थिएटर्स भी क्लोज हो रहे थे और जो लोग थे वहाँ से वापस आ रहे थे। ओल्ड मैन जो था उन लोगों के साथ फिर मिल गया और उसके बाद जो है फिर क्राउड की डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर दिया इसने। अब जो क्राउड था वो थिनर हो गया पहले के मुकाबले में। जब वो क्राउड थिनर हुआ तो उस टाइम पे ओल्ड मैन ने बड़ा अनईजी फील किया, उसने अपना रोड को चेंज कर लिया, और उसके साथ ही साथ जब उसने चेंज किया तो क्या हुआ कि इसने फील किया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, बेसिकली अ वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी एंड क्राइम एंड अनहेल्दी वर्ल्ड, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर जो स्टोरी का है वो भी बड़ा डेजोल्यूशन सा हो गया हुआ है, लेकिन जो वो ओल्ड मैन है वो रुक ही नहीं रहा, वो चला जा रहा है, और जो नरेटर है वो भी उसका पीछा करता जा रहा है। अब सवाल पैदा होता है, नरेटर क्यों इतना पीछे जा रहा है उसके? क्योंकि नरेटर को वो ओल्ड मैन बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है और उसको वो अपनी ही सोल लग रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है कि वो बेसिकली ओल्ड मैन जो है ना वो ये खुद है, ठीक है। ये नरेटर को फील हो रहा है, क्योंकि नरेटर ये चीज़ें जो ओल्ड मैन कर रहा है सब कुछ उसको फील हो रहा है, इनर तौर पे फील हो रहा है उसको। अब ओल्ड मैन जो है वो मतलब एक बार की तरफ आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इट वॉज ऑलमोस्ट डे ब्रेक नाउ बट सम पीपल वर स्टिल कमिंग इन एंड आउट ऑफ द प्लेस, द ओल्ड मैन बिकेम अ पार्ट ऑफ द क्राउड, हिस्सा बन गया। लेकिन सून क्या हुआ, जो प्लेस थी वो भी बंद होने लगी थी और ओल्ड मैन डिफरेंट लेन से होता हुआ दोबारा डी कॉफ़ी हाउस में पहुँच जाता है। अब प्लेस जो है, जो डी कॉफ़ी हाउस थी, वो सेम हसल एंड बसल होती है वहाँ पे, लेकिन जैसे वो मूव कर रहा होता है थ्रू आउट द डे वो वैसे ही मूव करता है विदाउट बीइंग टायर्ड। लेकिन आखिरकार अब जो नरेटर है ना, इन द सेकंड इवनिंग क्या करता है, वो थक गया है, वो सरेंडर कर देता है और जो है ना लेफ्ट द यूजलेस चेस, वो उसका पीछा करना छोड़ देता है और फैसला करता है कि जो ओल्ड मैन था ना, द मैन ऑफ द क्राउड था, मैंने यहाँ पर लिखा ना द मैन ऑफ द क्राउड बड़ा सा करके, ये टाइटल बेसिकली जो नरेटर है उसने दिया था इस बंदे को। और वो कहता है, बड़ी मज़े की लाइन है, कहता द ओल्ड मैन वॉज द मैन ऑफ द क्राउड, ही वॉज लाइक अ बुक दैट डिड नॉट परमिट इटसेल्फ टू बी रीड, ही वॉज बेटर लेफ्ट अलोन अनचेज्ड एंड अनफॉलोड, सो ही स्टॉप्ड चेजिंग हिम, ठीक है। कि ऐसी चीज़ जिसको बेहतर है कि वो खुद ही चाहता कि उसको पढ़ा जाए, खुद ही चाहता वो उसको समझा जाए, तो कहता है बेहतर है उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुई ना, अब हम अगर बात करें ना थीम्स की, तो थीम्स कौन से आ रहे हैं इसके अंदर, बेसिकली थीम ऑफ लोनलीनेस नज़र आ रहा है हम लोगों को, इंडिविजुअलिटी नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द क्राउड, ठीक है, ये जो है इसके स्टोरी के मेन थीम है। और अगर हम बात करें इसके अंदर जो कि हमारे पास डैगर एंड डायमंड पहना हुआ था द मैन ऑफ द क्राउड ने, उस डायमंड की बात करें तो हम कह सकते हैं जो डायमंड था वो ऐसे इंटरप्रेट किया जैसे जैसे एक जेम है वो पर्सनालिटी का, कि वो बेसिकली जो डायमंड है वो उसकी पर्सनालिटी को रेफर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वो एवरी ह्यूमन बींग में क्या है, एक जीनियस शो हो रहा है राइटर को, और जो डैगर था वो बेसिकली डेंजर को रेफर कर रहा है, ऐसा क्राइम जो कि हर पर्सनैलिटी के पास होता है, ठीक है। इट्स द ड्यूअल नेचर ऑफ एवरी पर्सन दैट विल मेक द सिंबल सिग्निफिकेंट इन द मेकिंग ऑफ द मूवी, ठीक है। कि बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ जो कि एक पर्सन है उसकी ड्यूअल नेचर को रेफर किया जा रहा है, डायमंड और डैगर दोनों लगा के, एक तरफ गुड साइड और दूसरी तरफ, तो बेसिकली ये गुड और बैड साइड जो है रेफर करिए करेक्टर को, जो करेक्टर ओल्ड मैन का था। और यहाँ पर हुआ हमारा ये लेक्चर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।